सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बड़ी को और साथ ही में बेल आइकन दबाए यूजफुल टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों स्वागत है सैमसंग गैलेक्सी A50s के टिप्स एंड ट्रिक्स के दूसरे भाग में, और मुझे उम्मीद है फर्स्ट भाग आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों ने वीडियो का फर्स्ट भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा फर्स्ट भाग का, उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। पहले उसको देख लीजिए और उसके बाद आप सेकेंड पार्ट को देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट और देख लेते हैं क्या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आप लोगों को यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस स्लाइडर तो देखने को मिलता है, लेकिन ऑटो ब्राइटनेस स्लाइडर एक्सेस करने के लिए दो बार आपको यहाँ पे ड्रैग डाउन करना पड़ेगा। एक बार ड्रैग डाउन करने के बाद दो बार ड्रैग डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे ब्राइटनेस स्लाइडर देखने को मिलेगा। इसके राइट में एक एरो दिया गया है, इसको क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कुछ ब्राइटनेस के लेवल यहाँ पर दिए गए हैं और साथ ही में ब्राइटनेस एडजस्टमेंट ऑटो अडैप्टिव ब्राइटनेस का ऑप्शन दिया गया है। और अगर आप चाहें कि ब्राइटनेस स्लाइडर सबसे टॉप में रहे एक बार स्लाइड करने के बाद ही आप मिल जाए तो आप यहाँ पे शो कंट्रोल ऑन टॉप सेलेक्ट कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हर बार फर्स्ट में ही आएगा। देख सकते हैं फर्स्ट स्लाइड करने से ही यहाँ पे ब्राइटनेस स्लाइडर आ गया है। फ़ोन को फर्स्ट में बूट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे बैटरी परसेंटेज देखने को नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन बार में। इसको इनेबल करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन का ऑप्शन। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्टेटस बार का एक ऑप्शन। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो करने का ऑप्शन दिया गया है। इसको इनेबल करने से ही बैटरी परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। और साथ ही में यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन्स देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन आइकन में सिर्फ तीन ही आइकन दिखा रहे हैं, सारे आइकन नहीं दिखा रहे। लेकिन अगर आप चाहें कि सब आइकन दिखे यहाँ पे तो आप इसको थ्री रिसेंट नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करके ऑल नोटिफिकेशन अगर कर देंगे तो यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन जितने भी यहाँ पे मतलब समा सकते हैं उतने यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको दिख जाएंगे। सारे ऐप नोटिफिकेशन का आइकन आपको यहाँ पे एक से एक शो करेगा। इसके बाद चलिए हम लोग कुछ एडवांस फीचर के बारे में बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A50s के बारे में। तो चलिए यहाँ पे इसके लिए आपको जाना होगा एडवांस फीचर के अंदर जो कि सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा। और उसके अंदर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट पॉपअप व्यू का एक ऑप्शन। स्मार्ट पॉपअप व्यू को अगर आप लोग इनेबल करते हैं किसी पर्टिकुलर ऐप के लिए तो उस ऐप के अंदर में आपको नोटिफिकेशन अगर आता है, मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं और आपके पास कोई मैसेज आता है तो यहाँ पे ये पॉपअप व्यू में दिखेगा। चलिए एक दिखा देते हैं सैम्पल आप लोगों को। देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज आ गया है और मैसेज आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे पूरा स्क्रीन में नोटिफिकेशन नहीं आया, यहाँ पे पॉपअप व्यू में आया है। अगर आपको मैसेज देखना है या फिर रिप्लाई करना है तो सिंपली इसको टैप कर दीजिए। टैप करने के बाद आपको यहाँ पर मैसेज दिख जाएगा और साथ ही में यहाँ पर आप यही से ही रिप्लाई कर सकते हैं। और आपको जो ऐप में आप काम कर रहे हैं यानी कि गेमिंग कर रहे हैं या फिर ब्राउजिंग कर रहे हैं उस ऐप को छोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो स्मार्ट पॉपअप व्यू को आप इनेबल करके रख सकते हैं, हर एक ऐप के लिए आप यहां पे इनेबल करके रख सकते हैं। हालांकि मैसेजिंग ऐप के लिए अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद एडवांस फीचर में आप लोग को बिक्सबी रूटीन का फीचर देखने को मिलता है। बिक्सबी रूटीन के अंदर आप लोग एक रूटीन सेट करके रख सकते हैं, यानी कि गुड मॉर्निंग यानी कि सुबह होगा तो आपके फ़ोन में क्या कुछ सेटिंग्स रहेंगे। देख सकते हैं इफ टाइम इज दिस देन आपका ये होगा, मतलब टाइम आप दे दिए इफ़ टाइम इज 6 AM देन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रह जाएगा। यहाँ पे लॉक स्क्रीन शॉर्टकट्स चेंज हो जाएगा, यहाँ पे डैशबोर्ड विजेट ये सब चेंज हो जाएगा। आप इसको सेव करेंगे तो हर दिन उस टाइम के बाद आपका ये सारे सेटिंग्स ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएंगे। साथ ही साथ आप वर्क के लिए कुछ अप्लाई कर सकते हैं, मान लीजिए 11 बजे के बाद आप ऑफिस में जाते हैं तो 11 बजे के बाद आप यहाँ पर सेटिंग्स चेंज करेंगे तो उस हिसाब से ये ऑटोमेटिक सेटिंग्स चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं जैसे वर्क, होम, बिफोर बेड, सेव बैटरी एट नाइट, ड्राइविंग, ये सब बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। इन सब को अलग अलग करके अलग अलग टाइम देके आप यहाँ पे रूटीन वगैरह सेटअप कर सकते हैं और उस हिसाब से आपका ऑटोमेटिक सेटिंग्स वगैरह चेंज होता रहेगा और बार बार आपको सेटिंग्स चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए घर में आने के बाद आप हर दिन वाईफाई ऑन करते हैं, मोबाइल डेटा को ऑफ कर देते हैं तो वो भी सेटिंग आप करके रख सकते हैं तो ऑटोमेटिक घर में आने के बाद आपका मोबाइल डेटा ऑफ हो जाएगा और वाईफाई आपका चालू हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स आप यहाँ पर बिक्सबी रूटीन के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिड्यूस एनिमेशन का एक ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एनिमेशन पसंद नहीं करते तो रिड्यूस एनिमेशन करेंगे तो आपका फ़ोन और थोड़ा फास्ट और फ्लूइड आपको लग सकता है। और साथ ही में यहाँ पर उसके बाद मोशन एंड जेस्चर का फीचर दिया गया है और उसके अंदर में लिप टू वेक का एक फीचर दिया गया है, यानी कि फ़ोन को जब आप हाथ में उठाएंगे तो आपका जो फ़ोन है ऑटोमेटिक वेक हो जाएगा। देख सकते हैं ऑटोमेटिक वेक हो गया, आपको फ़ोन को टैप करने की या पावर बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। तो ऐसे करके आप लिप टू वेक कर सकते हैं और अगर आपका फेस अनलॉक दिया हुआ है तो लिफ्ट करने से ही आपका तुरंत आपका फेस देख के आपका ये फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे डबल टैप टू वेक का फीचर दिया गया है, डबल टैप करेंगे तो आपका फ़ोन जो है वेक हो जाएगा। देख सकते हैं डबल टैप करने से फ़ोन वेक हो जा रहा है।
साथ ही में यहाँ पे स्मार्ट स्टे का फीचर दिया गया है। स्मार्ट स्टे को इनेबल रखेंगे तो जब तक आप अपने फ़ोन की तरफ देखते रहेंगे तब तक आपका फ़ोन का डिस्प्ले जो है ऑफ नहीं रहेगा, चाहे आपका स्क्रीन टाइम आउट 30 सेकंड का ही क्यों ना हो। इसके बाद स्मार्ट अलर्ट का फीचर दिया गया है। स्मार्ट अलर्ट के थ्रू अगर आपके फ़ोन में कोई भी नोटिफिकेशन आया है, आप अगर फ़ोन को उठाते हैं तो आपके फ़ोन में एक वाइब्रेशन होगा और आपको पता चलेगा कि कोई मिस्ड नोटिफिकेशन आया है। उसके बाद ईजी म्यूट का ऑप्शन दिया गया है। जब आपके पास कॉल आ रहा है फ़ोन का आप सिंपली उल्टा कर दीजिए और आपका फ़ोन जो है म्यूट हो जाएगा। 100 ऑपरेशन दिया गया है, जेस्चर के थ्रू आप कर सकते हैं या फिर होम बटन को 3 बार प्रेस करके कर सकते हैं। जेस्चर के थ्रू करने के लिए कॉर्नर से आपको ऊपर की तरफ जाना होगा, देख सकते हैं कॉर्नर से ऊपर की तरफ जाने से आपका यहाँ पर जो स्क्रीन है छोटा बन के आ गया है। इसके अलावा भी अगर आप लोग जेस्चर की मदद से नहीं करना चाहते, बटन से करना चाहते तो कर सकते हैं। 3 बार होम बटन को टैप करेंगे तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं 100 मोड भी यहाँ पे कन्वर्ट होकर आ गया है। उसके बाद पाम स्वाइप टू कैप्चर का फीचर दिया गया है। मैं आप लोगों को बता दूँ, नॉर्मली दूसरे फ़ोन्स में आप लोगों को वॉल्यूम डाउन और पावर बटन प्रेस करने से स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाता है, लेकिन इस फ़ोन में वॉल्यूम डाउन और पावर बटन प्रेस करने से स्क्रीनशॉट कैप्चर नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखा दूँ, देख सकते हैं कोई भी स्क्रीनशॉट का फीचर नहीं दिया गया है, लेकिन अगर आप लोग फिर भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे पाम स्वाइप टू कैप्चर को ऑन करके रख दीजिए। एडवांस फीचर के अंदर मोशन एंड जेस्चर में जो ऑप्शन दिया गया है पाम स्वाइप टू कैप्चर, इसको इनेबल करके रखेंगे तो आप स्वाइप करके स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। सैंपल आप लोगों को दिखा दूँ, इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे पहले फ़ोन के ऊपर हाथ रखना पड़ेगा कैराटे चॉप की तरह वर्टिकली 90 डिग्री एंगल में, उसके बाद लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट आपको स्वाइप करना है। देख सकते हैं एक स्क्रीनशॉट बन के आ गया है, तो ऐसे करके आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। और इस बाइक मोड का फीचर आप लोगों को यहाँ पे मिल तो जाता है, लेकिन इस बाइक मोड को आप लोगों को एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले ऐप स्टोर से। प्ले स्टोर में जाएंगे तो यहाँ पे इस बाइक मोड आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाकर उसको इंस्टॉल कर लीजिए। करने के बाद आप पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा इस बाइक मोड का फीचर। इसको आप इनेबल करेंगे तो आपके पास कोई भी कॉल आपके पास नहीं आएगा, या फिर अगर आप कोई पर्टिकुलर नंबर को सेट करके रखे हो जिस नंबर से ही कॉल आएगा तो उसी नंबर से सिर्फ कॉल आएगा, बाकी दूसरे नंबर से आपके पास कोई भी कॉल नहीं आएगा। इसके बाद चलिए बात करते हैं एक मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में, जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ पे आप लोगों को एमोलेड डिस्प्ले मिलता है तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आप लोगों को मिल जाता है। इसको मैनेज करने के लिए आपको सेटिंग के अंदर जाना होगा, जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा लॉक स्क्रीन का ऑप्शन। लॉक स्क्रीन का ऑप्शन में जाइए, जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले टैप टू शो करके रख सकते हैं, इसको करेंगे तो सिर्फ आप टैप करेंगे एक बार तब आपका आके ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो करेगा, वरना शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप चाहे तो ऑलवेज शो करके रख सकते हैं, शो ऑलवेज करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलवेज आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले शो करता रहेगा, आपको बार बार टैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पे शो एज शेड्यूल करेंगे तो ऑटोमेटिक जिस टाइम में आप ऑन रखना चाहते हैं उस टाइम पर ही ऑन रहेगा। और इस ऑलवेज ऑन जो डिस्प्ले आप लोग देख रहे हैं, ऑलवेज ऑन के डिस्प्ले के क्लॉक को आप मल्टीपल तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन कस्टमाइज़ करने के लिए आपको ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको जो ऑप्शन बाहर में आके मिलेगा, देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा क्लॉक स्टाइल। और अगर आपका ये रोमिंग क्लॉक इनेबल रहता है तो क्लॉक स्टाइल को आप लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसको पहले डिसेबल कर दीजिए, उसके बाद क्लॉक स्टाइल को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या फिर लॉक स्क्रीन। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं टाइप में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपके पास ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे दिए गए हैं। और अगर आप चाहे तो और भी बहुत सारे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं लास्ट वाला ऑप्शन थीम वाला है, तो वहाँ से जाके आप और भी बहुत सारे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, आप अगर चाहे तो कलर को भी चेंज कर सकते हैं अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। देख सकते हैं कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है एज़ पर माई प्रेफरेंस, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोगों को बता दूँ, जो लॉक स्क्रीन में जो क्लॉक रहता है, देख सकते हैं ये जो लॉक स्क्रीन में क्लॉक है, इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। सेम ऑप्शन में जाके क्लॉक स्टाइल में जाके आप लोग यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सिलेक्ट ना करके लॉक स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग जो क्लॉक स्टाइल जो लॉक स्क्रीन में रहता है उसको भी चेंज करके रख सकते हैं। देख सकते हैं डिफरेंट क्लॉक स्टाइल यहाँ पे आ रहा है, तो अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आप लोगों को कलर मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद लॉक स्क्रीन ऑप्शन के अंदर आप लोगों को एक सिक्योर लॉक सेटिंग मिलता है, जिसके अंदर में बहुत सारे क्रूशियल थिंग्स दिए गए हैं। जैसे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको पैटर्न पूछेगा, अपना पैटर्न या पासवर्ड, और उसके बाद देख सकते हैं लॉक ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, ये तो ठीक है। ऑटो फैक्ट्री रीसेट, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी अननोन पर्सन आपका डेटा एक्सेस ना कर पाए, या फिर कोई तुक लगा के बार बार डाल डाल के आपका जो पैटर्न जो है
एक्सेस करने के बाद ओपन ना कर पाए तो आप इसको इनेबल करके रख सकते हैं। इसको इनेबल करेंगे तो 15 बार जो लॉक स्क्रीन गलत टाइप करेगा उसके बाद फैक्ट्री रीसेट ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपके फ़ोन के अंदर का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन है लॉक नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, मतलब आपका फ़ोन अगर लॉक रहेगा तो मोबाइल का डेटा जो है ऑफ कोई भी नहीं कर पाएगा या फिर वाईफाई भी ऑफ नहीं कर पाएगा। इसके बाद चलिए हम लोग कुछ सिक्योरिटी फीचर्स देख लेते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी के अंदर। बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी के अंदर जाके आप फेस रिकॉग्निशन को इनेबल कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट को रजिस्टर कर सकते हैं और उसके अलावा आप यहाँ पर फाइंड माई मोबाइल को इनेबल कर सकते हैं। एंड्रॉयड 9 के ऊपर जितने ही फ़ोन आते हैं उनमें आप लोगों को फाइंड माई मोबाइल का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर सैमसंग ने कुछ अलग से बनाया है और यहाँ पर findmymobile.samsung.com में जाके आप अपने फ़ोन के लास्ट लोकेशन को सर्च कर सकते हैं, रिमोटली अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। अगर आपने पासवर्ड या पैटर्न भूल गया तो आप यहाँ पे जाके अपने फ़ोन को अनलॉक भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी एक अच्छा फीचर है। और साथ में लास्ट लोकेशन सेंड करने का ऑप्शन भी दिया गया है, तो इसको इनेबल करेंगे तो आपका फ़ोन खो जाता है, चोरी हो जाता है, तो फ़ोन का जो लास्ट लोकेशन है आपको पता चल जाएगा। और अगर आपके फ़ोन का मोबाइल डेटा ऑन है तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद और एक सिक्योरिटी फीचर है जो कि स्क्रीन पिनिंग। स्क्रीन पिनिंग को इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे बायोमेट्रिक्स एंड सिक्योरिटी के अंदर अदर सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर जाना है और जाने के बाद एकदम नीचे आपको देखने को मिलेगा पिन विंडोज़। अगर पर्टिकुलर कोई ऐप अपने दोस्त को अपने यूज़ करने दिया है तो उसको ही यूज़ करे, कोई दूसरा ऐप ना खोल पाए। इसको अगर आप लोग इंश्योर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके लिए जो ऐप खोल के आपने दिया है उसको जाने के बाद आपको रिसेंट में जाना है। रिसेंट में जाने के बाद उस ऐप के ऊपर जो आइकन है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं पिन दिस ऐप का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली पिन कर दीजिए। पिन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे बैक में क्लिक करने के बाद बैक में ना ही जा पा रहा है ना ही यहाँ पे होम में जा पा रहा है, तो दूसरा कोई भी ऐप यहाँ पे वो ओपन नहीं कर पाएगा जिसको आपने फ़ोन अपना दिया है। तो काफ़ी अच्छा फीचर है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं फ़ोन को लेके फ़ोन में ये वो चीज़ देखते रहते हैं या ये वो चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, तो आपका जो प्राइवेट डेटा है वो सेफ नहीं रहता है। तो इसलिए आप इसको इनेबल करके किसी को भी फ़ोन को चेक करने दे सकते हैं, पर्टिकुलर कोई ऐप यूज़ करने आप दे सकते हैं। लेकिन इससे एग्जिट करने के लिए आपको रीसेंट और बैक को दोनों को एक साथ प्रेस करना होगा और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका फ़ोन लॉक हो जाएगा। आप उसको अनलॉक करेंगे तभी जाके आपका फ़ोन नॉर्मल हो पाएगा। इसके बाद सेटिंग में आप लोगों को एक और ऑप्शन मिलता है जो कि है डिवाइस केयर। सेटिंग के अंदर जाएंगे तो डिजिटल वेलबींग के अंदर आपको मिलेगा, डिजिटल वेलबींग के नीचे आपको मिलेगा डिवाइस केयर का ऑप्शन। इसके अंदर में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे बैटरी का ऑप्शन मिलेगा। बैटरी ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप बैटरी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, बैटरी को पावर मोड को चेंज करके ऑप्टिमाइज़ को चेंज कर मीडियम पावर सेविंग कर सकते हैं, मैक्सिमम पावर सेविंग कर सकते हैं। मैक्सिमम पावर सेविंग करेंगे तो आपका मैक्सिमम पावर यहाँ पे सेव होगा, साथ ही में अडेप्टिव पावर सेविंग आप इसको ऑन करके रख सकते हैं। जिस हिसाब से आपका फ़ोन का यूजेज है उस हिसाब से आपका बैटरी ऑटोमेटिक अडाप्ट होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन है, यहाँ पे इस ऑप्शन में जाके आप जंक फाइल्स वगैरह क्लीन कर सकते हैं, कैश फाइल्स जो होते हैं उनको आप यहीं से जाके डायरेक्टली क्लीन कर सकते हैं। मेमोरी ऑप्शन में जाके आप देख सकते हैं कितना रैम आपका फ्री है और कितना रैम आपका यूज़ हो रहा है, और चाहे तो आप रैम को यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑप्शन को एक्टिवेट करके रख सकते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन को स्कैन करता रहेगा और आपके फ़ोन के लिए कोई भी आपको यहाँ पे थर्ड पार्टी एंटीवायरस जो है इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और फाइनली यहाँ पे अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड का ऑप्शन दिया गया है, हालांकि इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम के लिए आप इसको इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप अपने फ़ोन के डेटा को जो है बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बैकग्राउंड डेटा ऑफ कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई ऐप का बैकग्राउंड डेटा टोटली ऑफ कर सकते हैं, ये सब बहुत सारे काम आप अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद होम स्क्रीन से ही आप लोग थीम्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। थीम्स चेंज करने के लिए लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करने के बाद थीम्स में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे बहुत सारे थीम्स का सपोर्ट, यहाँ पे बहुत सारे फ्री थीम्स आप लोगों को मिल जाएंगे और आपने यहाँ पे थीम डाउनलोड करके अपने फ़ोन के लिए एक नया लुक आप ट्राई कर सकते हैं। साथ ही में आप यहाँ पे आइकन्स को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जो आइकन्स है आइकन्स का लुक भी टोटली आप चेंज कर सकते हैं। थीम को चेंज किए बिना सिर्फ आइकन भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए भी क्लॉक फेसेस भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फाइनली एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि है वॉलपेपर वाला। आपको अलग कहीं पे जाके वॉलपेपर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे गैलेक्सी स्टोर में ही, गैलेक्सी थीम जो स्टोर है यहाँ पे ही आपको बहुत सारे कूल और यूनिक वॉलपेपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सैमसंग गैलेक्सी A50 के टाइम में मैंने आप लोगों को दिखाया था, बहुत सारे कूल और वॉलपेपर, यूनिक वॉलपेपर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन यहाँ पे दिया गया है। आप लोगों को कहीं और जाके डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे फ्री वॉलपेपर्स है, कुछ वॉलपेपर्स जो है पेड है, लेकिन आपको पेड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री वॉलपेपर डाउनलोड कीजिए, बहुत सारे फ्री वॉलपेपर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए कुछ कॉल सेटिंग्स बता देते हैं। डायलर को ओपन करने के बाद
यहाँ पे थ्री डॉट्स को अगर सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को सेटिंग्स देखने को मिलेगा। सेटिंग्स के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ब्लॉक कॉल्स कर सकते हैं, नंबर डाल के किसी भी नंबर को डायरेक्टली ब्लॉक कर सकते हैं। कॉलर आईडी या स्पैम प्रोटेक्शन को ऑन करेंगे तो कोई भी स्पैम नंबर से कॉल आएगा तो आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आएगा कि ये स्पैम कॉल है। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग को आप इनेबल कर सकते हैं और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू यहाँ पे आप पर्टिकुलर कोई नंबर का यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं ऑटो रिकॉर्डिंग को इनेबल करने के बाद इसको ओपन करेंगे तो ऑल नंबर्स, अनसेव्ड नंबर या फिर सिलेक्टेड नंबर्स का ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए पर्टिकुलर किसी पर्सन का आप कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हैं हर बार, तो आप इस पर सिलेक्टेड नंबर करके उसका नंबर यहाँ पे डाल दीजिए तो आपका ऑटो कॉल रिकॉर्ड सिर्फ उसी नंबर पे होगा, बाकी दूसरे नंबर पे आपका ऑटो कॉल रिकॉर्ड नहीं होगा। और उसके बाद कॉल पॉपअप का एक ऑप्शन दिया गया है, ऑनगोइंग कॉल्स इन पॉपअप इंस्टेड ऑफ फुल, मतलब आपका जो कॉल है ऑनगोइंग कॉल है आपका फुल स्क्रीन में ना दिख के एक छोटा सा पॉपअप व्यू में आपको दिखेगा, जिसकी मदद से आपका डिस्टर्बेंस कम होगा कोई दूसरा ऐप यूज़ करते हुए। और इसके बाद फाइनली रीसेंट मेनू में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे रीसेंट मेनू में जाके आपको मल्टीटास्किंग ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये जो आइकन है ऐप का आइकन, उस ऐप के आइकन को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा। स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन में जाके आप दूसरा कोई भी ऐप यहाँ पे नीचे खोल सकते हैं और दो ऐप आप साइमल्टेनियसली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पॉपअप व्यू में भी एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ओपन इन पॉपअप व्यू में करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉपअप व्यू में ऐप ओपन होकर आ गया है। और इसके साथ साथ आप एक साथ मल्टीपल यानी कि 3-4 ऐप को ऐसे करके पॉपअप व्यू में ओपन कर सकते हैं। देख सकते हैं 3 ऐप यहाँ पे मैंने पॉपअप व्यू में ओपन कर दिया है, तो इस तरह से आप लोग ओपनिंग कर सकते हैं पॉपअप व्यू में। गैलरी ऐप के अंदर में सर्टेन कुछ फीचर्स आप लोगों को मिलेंगे। अगर आपने कोई बैकग्राउंड ब्लर वाला फोटो कैप्चर किया है यानी कि पोर्ट्रेट मोड, लाइव फोकस मोड में अगर आपने कोई फोटो कैप्चर किया है तो उसको ओपन करने के बाद आप उसका बैकग्राउंड इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे चेंज बैकग्राउंड इफेक्ट का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से डायरेक्टली इसका बैकग्राउंड ब्लर को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप बैकग्राउंड ब्लर के यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, स्पिन डाल सकते हैं, यहाँ पे जूम इफेक्ट डाल सकते हैं या फिर कलर पॉइंट कर सकते हैं। कलर पॉइंट करेंगे तो बैकग्राउंड पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, सिर्फ पॉइंट जो सेंट्रल है वो यहाँ पे कलरफुल रहेगा। तो ये फीचर तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे कोलाज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। थ्री डॉट्स को सिलेक्ट कीजिए, गैलरी में सिलेक्ट करने के बाद क्रिएट कोलाज करेंगे तो आप यहाँ पे कोई भी फोटो, 3-4 फोटो को सिलेक्ट करके एक कोलाज क्रिएट कर सकते हैं। कोलाज का डिफरेंट पैटर्न दिया गया है, आप अपने हिसाब से उनको चूज कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप जिप भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं क्रिएट जिप का ऑप्शन दिया गया है, 3-4 फोटो को सिलेक्ट करके आप एक जिप फोटो भी बना सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। वीडियो को ओपन करने के बाद देख सकते हैं ये पेंसिल का आइकन दिया गया है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको वीडियो एडिटिंग का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं, वीडियो को छोटा बड़ा कर सकते हैं, वीडियो में यहाँ पे ब्यूटीफाई इफेक्ट को डाल सकते हैं, फिल्टर्स लगा सकते हैं, ये सब बहुत सारे काम ऐसे कर सकते हैं आप। उसके अलावा भी आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर ही रिसाइकल बिन भी मिल जाता है। मान लीजिए कोई फोटो को आपने डिलीट कर दिया है तो 15 डेज़ के लिए वो यहाँ पे रिसाइकल बिन में आके रहेगा और 15 डेज़ के बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो बाय चांस या मिस्टेक से आपने कोई फोटो डिलीट कर दिया है, तुरंत आप उसको रिकवर भी कर सकते हैं। तो काफ़ी ये अच्छा एक फीचर है। तो दोस्तों ये थे सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट के टिप्स एंड ट्रिक्स और उसके फीचर्स। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों जो पार्ट है, दोनों पार्ट ही काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो जाके फर्स्ट पार्ट को भी देख लीजिए, वहाँ पे भी आप लोगों को काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।